दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस पृथ्वी गार्डन, जहां पर आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में रंग तरंग 2024 का शुभारंभ हो रहा है। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। क्षेत्र हर धर्म हर जाति हर वर्ग में एक अपरिहार्य स्वीकार्यता है जो युवाओं के दिल में भी उतना है। मौजूद है, इनके पिता की तबीयत खराब हो गई, अब उनका रोल कौन करेगा? अगले में का स्लेटा याद कर लीजिए, उसने देखा, उसने कहा मैं अपना प्राण स्टेज पर नहीं त्यागूंगा, मैं ये रोल अभी छोड़ रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो अभी से पड़े लाइव सुनने के लिए। थोड़ा शानदार सुन रहे भैया, मुझे पता है आपके साथ ये सब घटना घट गई है। सच्ची बात बता रहा हूं, आपके मन की बात कर रहा हूं। जिस घर में टीवी है उस घर में सीसीटीवी जैसी कुछ वस्तु की क्या जरूरत है? भाई 24 घंटे में 40 घंटे का सवाल तैयार है। कहां हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या पहन रखा है, किससे बात किया, कब आओगे, कहां गए थे? मैंने कुछ पंक्तियां लिखी दोस्तों, अगर लगता है कि आपके भाई ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अनोखा शेर गाओ, गुजरा एक पसंद में आया। उनकी अपनी अपनी बातों को याद करो, फिर सुनो, मजा आ जाएगा। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही टीवी ऐसी हैं? अरे वाह दादा, मजा आ गया दादा। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही टीवी ऐसी हैं? ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि भाई राधेश्याम भारती जी हम सबके बीच में है, उनकी एक से एक कविताएं हैं। मैं चाहता हूँ कि सारा सदन तालियों के ऐसी अनुगूंज दे कि उनका स्वागत लगे। आदरणीय राधेश्याम भारती भैया, हम लोग तो बाहर बाहर जाते हैं, लेकिन इतना विश्वास करिए कि आपका नाम गंदा नहीं करते। आप कहीं भी जाइएगा, कोई मिलेगा और वो बात चलेगी कि राधेश्याम भारती यहाँ। और ये चंदन राय भी हमारे जौनपुर के ही हैं, जौनपुर के हैं। अब इस समय नहीं, अभी ऐसी ही मरती है पूरी दुनिया में सुन। हाँ हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम लोगों पर वो होता है, बढ़िया मित्र है। अब आपकी मैं वो ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। आप बुलाए हैं, सुरेश भाई ने भी इशारा किया, अभी दो सज्जन आए थे, उन लोगों ने कहा नहीं सुना दीजिए जो आपकी फेवरेट है। तो ठीक बात, ठीक है, बात भी है, वो बात भी है, बात ठीक है, बात भी है, तो सुनाई देता हूँ, सुनिए, देखिए, आनंद ले लीजिए। ये जो चुनाव होना है उस पर कोई असर तो नहीं है ना, ऐसे माहौल में हो, कल आप लोग वोटिंग करके खूब आनंद लीजिए, जहां आपकी इच्छा हो जैसा करिए। ये आनंद के क्षण है साहब, नहीं तो हम घर में अभी जाएंगे तो हमारी वही हालत हो जाएगी। आदरणीय आपको क्या बताएं, भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती, कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं रहा। इधर वाले कमजोर हैं ताली बजाने में, ये कंपटीशन चल रहा है, इधर वालों से कमजोर, इधर नौजवान है, ये देखना है कि किधर की ताली बजती है। देखिए साहब, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन प्रशासन, सब महिलाओं के पक्ष में कोई ना कोई उनको मजबूत करने के लिए कानून बनाते रहते हैं, है ना? मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों मैथिली शरण को। वो सर समझ में नहीं आता कि उस दिन भांग खा लिए थे, क्या किए थे, लिख दिए कि इन महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पूर्ण जीवन की कथा? हाँ, नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, नारी ने दुख पाया तो
तो इसका मतलब ही हो गया कि पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो कसम खा रहा हूं, कसम खा रहा हूं, मैंने नहीं सताया साहब, मैंने नहीं सताया। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबाया, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कसम नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा। तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोई भी चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे बुलाएगी। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूँ, अक्सर अचार मांगता हूँ। तब क्या करूं, जब देखता हूँ उसकी भाव तनी है, कहां हिम्मत पड़ती है, कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे दो दांत टूट गए। नहीं, कड़ी रोटी के खाने से दांत नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे कथा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं, वो एक शब्द बोलती है मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले दो गाय का दूध पिए, बड़ा होके पहले ही बनता है। एक बार जोरदार ताली राजू मियां से। अच्छा, चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ पीन लिया करो जी। तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। यहां पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपना बनाऊ तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये देखिए जिंदगी से जुड़ी पंक्तियां हैं, वहां माहौल भी उस ओर चल रहा है कि क्या कहेंगे। कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है, कोई जादू समझता है तो कोई फन समझता है, कहां दुनिया में कोई अब किसी का मन समझता है, कहां दुनिया में कोई अब किसी का मन समझता है। समंदर वो कि जिसमें रोज ही नदियां उतरती हैं, समंदर वो कि जिसमें रोज ही नदियां उतरती हैं, कहां सूखी नदी का वो अकेलापन समझता है। हमारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए, उड़ाने हो बिना डरते न तूफानों का खतरा हो, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी बिखर जाए। मैं ये पंक्तियां अपनी समर्पित करता हूं राकेश भैया को, सुने। की वही खुशबू तेरी सांसों का संदल है, मोहब्बत की वही खुशबू। मैं हाईकोर्ट की संस्कारशाला से ही निकला हूं, मैंने लॉ LLB LLM PhD इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, मैंने कई साल वकालत की, आज 8-10 वर्षों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून भी पढ़ा रहा हूं। मुझे खुशी है और गर्व इस बात का कि आज मेरे पढ़ाए 250 बच्चे न्यायिक मजिस्ट्रेट इस उत्तर प्रदेश में है, तो मैं इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं, उसमें मेरा कुछ नहीं, आप लोगों का साथ समर्थन है। और भाई साहब सुनिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमें प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण तक भी जाने के लिए हमें महर्षि वाल्मीकि, बाबा तुलसीदास और निराला तक जाना पड़ेगा, रसखान और सूर तक जाना पड़ेगा। इसलिए एक रचनाकार की महत्ता को समझिए, आप प्रयाग की नगरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चार व्यक्ति आपके जहन में आ गए तो आप समर्थन दीजिएगा, जीवन से जुड़ी सच्ची पंक्तियां सुने। जिन्हें चंदन समझता था
धकतिया को बन बैठे जीवन की पंक्तियां जिन्हें चंदन समझता था धकतिया को बन बैठे वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो जादू बन बैठे वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो जादू बन बैठे कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे अंबुजोशानंदन युवा कवि हैं, वकील भी हैं। मैंने एक जीवन का निचोड़ निकाला भाई साहब कानून की पीएचडियां हो भी सब कुछ बहुत हो गया ये जितना प्यार इस लव मोहब्बत अफेयर है ये सब में बहुत न पढ़िए 99.9% जो एंड रिजल्ट है आप सबको भी अपने जीवन के वो पिछले पल याद आ जाएंगे उस नॉस्टैल्जिया में चल रहा हूं आखिरी परिणाम वंदना तुम प्यार पढ़ रही थी ना प्यार वार का सब आखिरी परिणाम चार पंक्तियां देश दुनिया तक गई आप भी सुने और आपका समर्थन चाहिए याद आती है भी तेरी आपका ध्यान चाहता हूं याद आती है भी तेरी तुझसे बिछड़े जमाने हुए याद आती है भी तेरी तुझसे बिछड़े जमाने हुए तू किसी की फलानी हुई हम किसी के फलाने हुए बहुत आभार आप लोग बहुत आनंद से सुन रहे हैं अच्छा ठीक है एक मैंने प्रयोग किया था क्योंकि आप सब जो जितने लोग हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं बहुत ज्यादा भीड़ है कोई दिक्कत नहीं आप लोग मन से सुन रहे हैं